शहर की ताजा खबरें देखने के लिए इनबीसीएन न्यूज को यूट्यूब पर लाइक करें, सब्सक्राइब करें, साथ ही बेल आइकन दबाना ना भूलें। क्राइम ब्रांच यूनिट नंबर 4 ने गुरुवार की रात वर्धा आउटर रोड पर स्थित ढाबे पर चल रहे जुआ अड्डे पर छापामार कार्रवाई की है। इस कार्रवाई में पुलिस ने 11 आरोपियों को गिरफ्तार किया। साथ ही यूनिट 4 द्वारा कुल मिलाकर 26,77,000 रुपयों का माल जब्त किया गया। आरोपियों में खापरीना का निवासी शिवराम देवाजी भुरे, जयदुर्गा सोसाइटी मनीष नगर निवासी तुषार अनिल पांडे, पृथ्वीराज नगर बेलतरोड़ी निवासी संजय रामदास बोरकर, पासगांव निवासी मोरेश्वर संभाजी हजारे, सोमलवाड़ा लक्ष्मी विहार बिल्डिंग निवासी शेखर भैयालाल कुमरे, सीतानगर सोनेगांव निवासी प्रशांत चंद्रकांत शाहने, मनीष नगर निवासी मधुकर चिंतामन कोटरुंगे, चिकना पानी की टंकी के पास रहने वाले भुवनेश्वर बापूराव कामले, साई कृपा सोसाइटी नरेंद्र नगर मीनाल सिंह जय सिंह ठाकुर, रघुजी नगर हुडकेश्वर निवासी मनोहर बबन गावत्रे और हिंगना निवासी संदीप अशोक मेशराम का समावेश है। सभी आरोपियों को पुलिस ने गिरफ्तार कर मामला दर्ज किया है। प्राप्त जानकारी के अनुसार सिटी में बढ़ती आपराधिक और हत्याओं की घटना को नियंत्रित करने के लिए पुलिस कमिश्नर भूषण कुमार उपाध्याय के आदेश पर पुलिस ऑपरेशन क्रैकडाउन 2 चला रही है। इस ऑपरेशन क्रैकडाउन 2 के तहत सभी क्षेत्रों के पुलिस आपराधिक गतिविधियों को रोकने की कार्रवाई कर रही है। गुरुवार को पेट्रोलिंग के दौरान क्राइम ब्रांच के एपीआई डीएम चंदन को गुप्त जानकारी मिली कि वर्धा आउटर रिंग रोड स्थित ग्रीन वैली ढाबे की एक खोली में कई बड़े लोग जुआ खेल रहे हैं। पुलिस ने तुरंत ढाबे पर छापा मार कार्रवाई की। इसमें पुलिस ने सभी आरोपियों को जुआ खेलते पकड़ा। पुलिस को देख सभी भागने की कोशिश करने लगे, किंतु सभी आरोपियों को पकड़ने में टीम को सफलता मिली। पुलिस ने जुआ अड्डे से 31,500 रुपए नगद, 10 मोबाइल समेत कुल 25,77,500 रुपयों का माल जब्त किया। यावेला नागपूर शहरामध्ये क्रॅकडाऊन 2 हे ऑपरेशन सुरू आहे। असे असताना आमचे क्राइम युनिट 4 दोन्ही पथक गुन्हेगार सर्चिंग मध्ये इफेक्टिवली काम करत आहे। यामध्ये एपीआय चंदन आणि प्रशांत कोडप यांना अशी माहिती मिळाली की वर्धा रोडचा हायवे जो धाबा आहे त्या धाब्यावर बरेचसे लोकांची गर्दी जमलेली आहे, त्या ठिकाणी मोठ्या प्रमाणात जुगार सुरू आहे। या माहितीची खात्री आम्ही केली आणि खात्री केल्यानंतर एपीआय चंदन, एपीआय चौगुले आणि त्यांचे टीम या सर्व आम्ही त्या ठिकाणी जाऊन छापा मारला असता आम्हाला असं आढळून आलं की त्या ठिकाणी लोक हे जुगार खेळत आहेत। आम्ही त्यामध्ये तिथे जुगार खेळणाऱ्या 11 लोकांना त्या स्पॉटलाच पकडलं, त्यांची अंगधडती घेतली। अंगधडतीमध्ये त्यांच्याकडनं आम्हाला 31,500 रुपये कॅश मिळाली, त्यांचे 10 मोबाईल्स मिळाले, त्यानंतर त्यांच्या 5 कार त्यासुद्धा आम्ही ताब्यात घेतल्या। असा एकूण 26,77,500 रुपयाचा मुद्देमाल आम्ही जप्त केलेला आहे। यामध्ये 11 आरोपींना अटक केलेली आहे आणि हे सर्व अटक आरोपी आणि सर्व मुद्देमाल पोलीस स्टेशन हिंगणा यांच्याकडे पुढील कारवाईसाठी हँडओव्हर केलेला आहे। कॅमेरा पर्सन वीरेंद्र खोबरागडे के साथ क्षितिजा देशमुख की रिपोर्ट, NBCN न्यूज नागपूर।